जो लोग बताए थे मेरा यौन शोषण हुआ है उन्हें भरोसा नहीं है, फिर आप चाहते क्या हैं? विभूषण को गोली मार दें? चुनाव के दौरान ही आंदोलन किए जाते हैं, चुनाव के समय ही आप दिल्ली को जाम करेंगे? अरे ओलंपिक चल रहा है, गजब का सवाल आप भी करते हैं। कांग्रेसी हैं क्या पूरा सा? नहीं मिले उले हैं लगता है। नहीं नहीं हमें लगता है उन्हीं के टीम से हैं आप। अगर ये बीमार हो जाएंगे अपने घर में, विभूषण के कारण हुई है, अगर इनको उल्टी आएगा, विभूषण जी गए मंच पे माल्यार्पण किए, माल्यार्पण किए, माला पहनाए, अब माला पहनाने के दौरान कंधे पे टच हो रहा है या फिर पेट पे टच हो रहा है, भाई ये एक प्राकृतिक राजनीति है। और ये सारे राजनीतिक स्टेटमेंट ही थे जो जस्ट वो सेमीफाइनल जब क्वालिफाई कर रही थी तो उस समय उसके जो चाचा हैं, जो गुरु भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी राजनीतिक ही कमेंट दिए थे। और ये लोग पूरी तरीके से एक विषाक्तता से भरे हुए हैं भाजपा को लेकर। ब्रजभूषण सिंह का नाम लेते हैं, जितना मैंने देखा है और मैं जानता हूँ, ब्रजभूषण सिंह हाँ प्रभावशाली नेता हैं, अपने इलाके में भी प्रभाव रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी भी इस तरीके की गिरी हुई हरकत ब्रजभूषण सिंह करेंगे नहीं। ये सीधे लांछन लगा कह सकते हैं इस बात को, ये उनके कामों से देखिए आप, वहाँ पे जो वहाँ के उनके क्षेत्र के लोकल लोग हैं जो उन्हें अच्छे से, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं अपने आप में, वो आज भी एक्सरसाइज करते हैं, आज भी उन्होंने कई सारी एक्सरसाइज करने की और ये जितने भी रेसलिंग से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे उपक्रम अपने क्षेत्र में चला रखे हैं। और कई सारे आसपास के और निकटस्थ जिलों के बच्चे आके वहाँ पे कुश्ती सीखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने पहलवानों का यौन शोषण किया, उनका गलत बताइए। ठीक है, उन्होंने पहलवानों का यौन शोषण किया, आप उस समय आवाज़ नहीं उठा सकते, उस समय भी आप पहलवान नहीं थी, उस समय भी आपको देश जानता था। सुनते जाइए, जैसे जैसे राजनीतिक गर्माहट आती है ना, लोगों के बयान भी बदलते हैं। और मैं आपको कहाँ कहाँ ले जाना चाहता हूँ, यात्रा करिए। इस देश की पुलिस पे इनको भरोसा नहीं है जब ये बैठे थे, इस देश के जांच कमेटी पे इन्हें भरोसा नहीं, इस देश के न्यायालय पे इन्हें भरोसा नहीं है, इस देश के शासन प्रशासन पे इन्हें भरोसा, इन्हें कि नहीं, जो लोग बताए थे मेरा यौन शोषण हुआ है उन्हें भरोसा नहीं है, फिर आप चाहते क्या हैं? विभूषण को गोली मार दें? न्याय प्रक्रिया भरोसा नहीं, जांच कमेटी भरोसा नहीं, देखते जाइए, जांच कमेटी भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं। अरे भाई आप चाहते क्या हैं? राहुल गांधी जो कहेंगे उसी भरोसा है, प्रियंका गांधी जो कहेंगे उसी भरोसा है। पहलवान देखिए, ओलंपिक में अगर उनके साथ दिक्कत ना आती तो वो गोल्ड मेडल लाने वाली थी, सिल्वर तो नहीं। एक मिनट, ओलंपिक में दिक्कत आई, विभूषण ने दिक्कत दिया? विभूषण ने कहा 300 ग्राम वजन, 100 ग्राम वजन, 50 ग्राम वजन बढ़ जाए? नहीं, तो विभूषण आए कहाँ से? अगर ओलंपिक में जो भी हुआ है, देखिए सीधी सी बात है, सरल सा कारण यही है कि इसमें जो जो लोग ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े हुए थे, ब्रजभूषण सिंह ने एक ही प्रक्रिया वहाँ पे लानी चाहिए कि जो पिछली बार ओलंपिक में पदक ला चुके हैं, अगली बार अगर वो पदक ओलंपिक में जाना चाहेंगे तो उन्हें चयन प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा, उन्हें पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ वो रेसलिंग फिट हैं कि नहीं हैं। अब इन लोगों को क्या परेशानी हुई कि यार हम क्यों टेस्ट दें, हम अपने जूनियर जो रेसलर्स हैं उनसे हम क्यों कुश्ती लड़के ये सिद्ध करें कि हाँ भाई हम उपयुक्त हैं कि नहीं हैं अगले ओलंपिक के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई सारे रेसलर्स ओवर एज हो रहे थे या ज़्यादा वेट बढ़ रहा था या इस तरीके से वो चयन प्रक्रिया में छांट दिए जाते, जिसके भय से इन्होंने इस प्रक्रम को धत्ता बताने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो प्रक्रम ला रहे हैं कौन है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको हटाओ। कैसे हटाओगे भाई, ये लांछन लगा दो सीधे। आप ये बताइए, कई कई तो ऐसे लांछन सुनाई दे रहे हैं कि जी हाँ 6 साल 7 साल पहले मुझे यहाँ पे टच हो गया था, आपने रेस आपने आप इतने दिन तक वही उसी में आप जाके मेडल भी जीत के आ चुके हो, अभी तक आप बीच में उनकी वाहवाही भी कर चुके हो कि हाँ इन्होंने हमारा बहुत मदद की और ये सब भी किया, आपने विचार किया। देखिए आज के डेट में आके आप एकाएक लांछन लगाने पे आ गए हैं, ये क्या आपने एक मिनट आपने विचार किया, ये सारे लोगों का यौन शोषण कब हुआ? जब ये नियम आया भाई,
नियम आया तब इनका यौन शोषण हो गया, नियम आया तब इनके साथ बदसलूकी हुई, नियम आया तब इनके साथ शारीरिक शोषण होना शुरू हुआ, उसके पहले क्या इनके साथ शोषण नहीं हुआ? यही बृजभूषण इनके मेडल लाने के बाद नियम आने के पहले भी बने थे ये लगातार बृजभूषण दो दो साल छह महीने पहले की इनकी तस्वीरें हैं। ये की बात देखिए, जैसे ही चुनाव खत्म हुए ये क्या आंदोलन खत्म हो गया तुरंत, जैसे ही चुनाव आने वाला होता है वैसे ही आप हंगामा शुरू कर देते हैं। है? अब तो कांग्रेस कह रही कि हम तो उनको राज्यसभा भेज सकते थे। किन को? विनेश को। भाई ये राज्यसभा भेजे, सांसदी का चुनाव लड़ाएं, ठीक है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत है, लेकिन अभी भाई भैया ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, क्या चुनाव के दौरान ही यौन शोषण होते हैं? चुनाव के दौरान ही आंदोलन किए जाते हैं? चुनाव के समय ही आप दिल्ली को जाम करेंगे, उसके बाद उसके पहले आज क्यों नहीं बैठे हैं ये? क्या इनका यौन शोषण? तो अब तो ओलंपिक चल रहा ना भाई। अरे ओलंपिक चल रहा है, गजब का सवाल आप भी करते हैं, कांग्रेसी है क्या पूरा सा? नहीं मिले उले हैं लगता है, नहीं हमें लगता है उन्हीं के टीम से हैं आप। अब ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? ओलंपिक चल रहा है इसका मतलब क्या है? गुस्सा कम नहीं हुआ ना? बजरंग पूनिया, ये बजरंग पूनिया ने तो अब जब सिल्वर जीत गई थी तभी कह दिया था कि अब भी कह रहे हैं कि किसी का चेहरा बचाने के लिए साजिश हुई है उसको। हम बताएं एक चीज, अगर ये बीमार हो जाएंगे अपने घर में बृजभूषण के कारण हुई है, अगर इनको उल्टी आएगा खाना पचे हो जाएगा बृजभूषण के कारण हुआ, अगर ये इनका घर में प्राकृतिक कुछ आपदा हो जाए बृजभूषण ने कराया है। अब तो हम कह रहे हैं जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे ना, अभी बृजभूषण जब तक जिंदा रहेंगे इनके साथ कुछ भी हो जाएगा, पैर में कांटा भी चुभ जाएगा। अरे बृजभूषण की साजिश थी, कांटा बृजभूषण ने यहाँ पे रखवाया ताकि समझिए ताकि ये खेल ना पाए। नहीं वो दिक्कत नहीं देख, लेकिन अगर देश के पहलवान सम्मान जो मेडल लाए हैं, जो बेटियां हैं उनको, उनके मामले को अगर सरकार अच्छी तरह से हैंडल कर लेती तो इतना लंबा भी रहता ना भाई। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ। सरकार ने कोई ऐसी कमी कसर नहीं छोड़ी, हर स्तर पर हर प्रकार के मंत्री इन लोगों से मिले, ठीक है, और मिलके इनकी समस्या का निवारण भी करवाया। इवन ये देखिए आप कि न्यायालय तक मसला गया, न्यायालय में विचाराधीन ही नहीं रहा, जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी का रिपोर्ट आई, सारी चीजें होने के बाद में भी इनका आंदोलन जारी रहा। कब तक? इलेक्शन जब तक हो नहीं गए, जैसे ही हो गया उसके बाद में इनका। भैया अच्छा ये बताइए, कानून मंत्री पे भरोसा नहीं, फिर रहते हैं कानून मंत्री चाहे हमसे बात करो भरोसा नहीं, खेल मंत्री पे इन्हें भरोसा नहीं, अपने श्रेष्ठ खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं। जो लोग इनसे बोले भाई अगर तुम्हारे साथ हुआ है जांच कराओ, तो उनको ये बता दिए कि तुम बहती गंगा में हाथ धो रही हो, तुम सरकार के चाटुकार हो गए, यही लोग बोले हैं अपने ही खिलाड़ियों को। मतलब आप बताइए ये चाहते क्या हैं? ये यही चाहते हैं कि कांग्रेस इन्हें संचालित करे, कांग्रेस इनके साथ रहे। कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी आपको पता है? वही जो करती आई है, परिवारवाद, आतंकवाद, दंगा प्रसाद, नक्सलवाद, ये वही चाहते हैं क्या? नहीं, आप दिल्ली के सड़कों में केवल चुनाव के दौरान, हम कह रहे हैं जब तक अब चुनाव नहीं होगा इस देश में तब तक ये दिल्ली के सड़कों पर नहीं आएंगे, जिस दिन चुनाव शुरू हो जाए फिर एक चुटपुटिया सा खड़ा हो जाएगा हमारा शोषण हुआ है। आप बताइए, नहीं आप बताइए, मैं आपको मेडल पहनाने आया हूँ, मैं आपको मेडल पहनाने आया हूँ, भाई साहब हैं मेडल पहनाने आया, बृजभूषण जी गए मंच पे, माल्यार्पण किए, माल्यार्पण किए, माला पहनाए। अब माला पहनाने के दौरान कंधे पे टच हो रहा है या फिर पेट पे टच हो रहा है, भाई ये प्राकृतिक है, या तो फिर बोल दो भाई आप माला मत पहनाओ, मुझे चादर मोड़ाओ, मुझे मेडल मत पहनाओ। ओलंपिक में भी तो जो आपको पहनाया होगा तस्वीरें अगर जूम करके देखें तो कहीं ना कहीं कंधे से हुआ होगा। सीधा लांछन है, आप खुद सोचिए ना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चुना हुआ सांसद है, और वह व्यक्ति आपको अब इस माहौल पे अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इस माहौल पे ये कहना चाहते हैं गंदी राजनीति बंद करो, खेल को खेल रहने दो, खेल में आरक्षण और धर्म मत घुसेड़ो। अभी ये चर्चा हो रही थी कि आरक्षण दो और प्रत्येक जात के लोगों को खेल में स्थान दो। खेल प्रतिस्पर्धा ठीक है एक चीज हो गई, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात करने लगते हैं। मेरा ये कहना है आरक्षण आखिर किस चीज को बढ़ावा देता है? आरक्षण मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वो इस चीज को करने के लिए प्रेरित करता है कि दलित बने रहो, वो इस चीज के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नहीं है। आरक्षण आपको, बाप को आरक्षण मिल गया ठीक है, वो दलित थे उनको मिल गया, फिर उसके बाद में उनका बेटा हुआ, क्या वो भी दलित रह गया? नहीं, वो अब दलित नहीं रह गया, लेकिन नहीं वो जनजात अपने आप को दलित दिखाएगा, प्रूफ करेगा कि मैं दलित हूं। और ये दलित्य को बढ़ाने का पुष्ट दर पुष्ट बढ़ाने का तरीका है। नहीं, आप कोशिश करिए, आज के वैज्ञानिक युग में, आज के टेक्निकल युग में आप अपने आप को हीन मत समझिए, आज के टेक्निकल युग में, आज के वैज्ञानिक युग में आप अपने आप को श्रेष्ठ समझिए और समाज के उत्थान में, देश के बढ़ते हुए पायदान में अपना योगदान दीजिए। आप डंडा और झंडा लेकर बाधा क्यों बन रहे हैं?